नेशनल वाटर मिशन में 20% तक पानी के उपयोग में कमी लाने का लक्ष्य रखा है। सतह पर जो जल उपलब्ध है उसका उचित प्रबंधन, भूगर्भ में जो हमारे स्रोत हैं उनका ठीक से उपभोग हो, जो पानी हम अलग अलग क्षेत्र में उपयोग में लेते हैं उसका विवेकपूर्ण उपयोग हो, और उसके साथ साथ में जो पानी उपयोग के बाद में निकलता है उसका ठीक से ट्रीटमेंट हो, तो हम जल सुरक्षित देश को बना सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का विशेष ध्यान रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत नेशनल वाटर मिशन की स्थापना की गई, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिले, जल की बर्बादी को कम किया जा सके और राज्यों के भीतर एवं राज्यों के बीच जल का अधिक समान रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख उद्देश्य है जल का डेटाबेस सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत रखना और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना, जल संरक्षण वृद्धि और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, शोषित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान देना, 20% तक जल उपयोग कुशलता में वृद्धि करना और बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। देश के अंदर जितनी भी वर्षा होती है एक वर्ष के अंदर, हम उसका केवल 8% ही बचा पा रहे हैं, तो ऐसी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए हमें युद्ध स्तर के ऊपर जो है अपने जल प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और हमारा मंत्रालय जो है उस दिशा के अंदर सतत प्रयास कर रहा है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रीय जल मिशन ने अनेकों कदम उठाए हैं, जिसके तहत कैच द रेन नामक एक खास कैंपेन शुरू किया गया है, जिसकी टैगलाइन है कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसमें राज्य सरकारों, सामाजिक संस्थानों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से एप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण और उसके उपयोग का अनुरोध किया है, जो कि वहाँ की सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुरूप हो और वर्षा के पानी को बचाने और कुशलता से उपयोग करने की इस मुहिम में अधिकाधिक लोगों को साथ जोड़ने की पहल की गई है। साथ ही विभिन्न कलेक्टर्स को जिला स्तर पर रेन सेंटर्स की शुरुआत करने का अनुरोध भी किया गया है, जिसके माध्यम से आम लोगों को वर्षा जल संचय से जुड़ी तकनीकी जानकारी दी जा सके। कुछ प्रमुख संस्थानों और मंत्रालयों ने वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए कदम भी उठाए हैं। जल संरक्षण में समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थाओं को भी साथ जोड़ने की पहल की गई है। Both in urban areas and rural areas, rainwater harvesting system must be made mandatory when sanctioning plans. We must ensure that water is not wasted and the groundwater reserves are recharged when the rain falls on the ground. We must catch the rain and store it. I'm happy that the National Water Missions campaign is taking up a timely initiative called Catch the Rain when it falls. वर्षा जल संचय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए समाज की जानी मानी हस्तियों ने भी इस कैच द रेन कैंपेन को बढ़ावा और सहयोग दिया। राष्ट्रीय जल मिशन लगातार जल संरक्षण हेतु ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम के रिवाइवल के लिए कार्य कर रहा है। इस दिशा में भारत के स्टेप वेल्स की धरोहर को संजोते हुए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा स्टेप वेल्स ऑफ इंडिया नामक एक किताब लोकार्पित की गई, जिसमें 100 यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टेप वेल्स की जानकारी मौजूद है। ग्राउंड वाटर जिसको हम भूजल कहते हैं, उसका दोहन इतना ज्यादा हो गया है कि आने वाले दिनों में वहाँ पानी बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं होगा, तो इसलिए जो ऐसे इलाके हैं खासकर वल्नरेबल एरिया जिसको हम बोलते हैं, उन क्षेत्रों के लिए काम नेशनल वाटर मिशन कर रहा है। पानी का प्रबंधन केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रयासों से नहीं हो पाएगा, जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, वो बहुत जरूरी है। जैसे अब एक वाटर टॉक की सीरीज शुरू की गई है, जिसमें जल संगोष्ठी का आयोजन करके लोगों को जागरूक करना, कैसे लोग पानी को बचाएं, कैसे पानी का सही उपयोग करें, इस दिशा में भी नेशनल वाटर मिशन काम कर रहा है। जल संरक्षण की अधिकाधिक जागरूकता और प्रशिक्षण का फैलाव भी किया जा रहा है, जिसके तहत वाटर टॉक नामक लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है,
इस पहल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वाटर टॉक सीरीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे पहुंचाया गया और जिसके कारण न केवल प्रतिभागियों की संख्या बढ़ी बल्कि देश विदेश से भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही इन वाटर टॉक्स का सार एक बुक में भी कंपाइल किया गया है। इसके अलावा नेशनल वाटर मिशन की तरफ से वाटर कंजर्वेशन के अलग अलग टॉपिक्स पर टेक्निकल सेमिनार्स और वेबिनार्स भी किए जाते रहे हैं। साथ ही जिला अधिकारियों और म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ Thank you.